आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे डिफरेंट एक्सटेंशन को जानिए और उसको उस पर्टिकुलर टाइप की फाइल को जो सपोर्ट करता है वो एक्सटेंशन वो किस पर्पस के लिए सपोर्ट करता है उसको जानिए। और हमारी यह गारंटी है कि अधिकतम लोग नहीं जानते हैं कि फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है और किस पर्पस के लिए यूज होता है। कुछ लिमिटेड एक्सटेंशन ही लोग जानते हैं, तो आज आप इसको जान लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। आज हम आपको टेक्स्ट स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट ईमेल और पीडीएफ फाइल के डिफरेंट एक्सटेंशन बताएंगे और नेक्स्ट टाइम पे हम यूट्यूब से रिलेटेड एक्सटेंशन को डिफाइन करेंगे और बताएंगे। तो पहले जनरल पर्पस के एक्सटेंशन को जान लेते हैं जिससे कि हम लोगों को फाइल रिकॉग्नाइज करने में इजी हो जाए और किस पर्पस के लिए कौन सी फाइल यूज होती है पता हो जाए, तो हमको फाइल यूज करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। द पर्पस ऑफ फाइल एक्सटेंशन। द पर्पस ऑफ फाइल एक्सटेंशन इज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल। कंप्यूटर यूजेस दिस इंफॉर्मेशन टू ओपन द फाइल विद द करेक्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। File extension is found after the name of the file after period, for example picture.zip। आप जब फाइल नाम लिखते हैं तो उसका एक प्राइमरी नेम होता है, एक सेकेंडरी नेम होता है। प्राइमरी नेम यहाँ पे पिक्चर और सेकेंडरी नेम जिप है, तो प्राइमरी सेकेंडरी नेम जो होता है उसी को एक्सटेंशन बोलते हैं जो डॉट के बाद आता है। इन दिस पिक्चर इज द नेम ऑफ फाइल एंड द जिप इज एक्सटेंशन। पिक्चर इसमें नाम है और जिप इसका एक्सटेंशन जो कि एक कंप्रेस फाइल का एक्सटेंशन है। तो इस तरह से हम डिफरेंट एक्सटेंशन को जानेंगे जो डिफरेंट टाइप की फाइल को सपोर्ट करता है। सबसे पहले हम लोग वर्ड के एक्सटेंशन को जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे डॉक जो है दैट इज फॉर द डॉक्यूमेंट फाइल। डॉक एम जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन XML मैक्रो एनेबल डॉक्यूमेंट। अब आपको अगर मैक्रो नहीं पता है डॉक्यूमेंट में तो जान लीजिए कि उसमें हम लोग मैक्रो बनाते हैं जिससे कुछ स्पेसिफिक वर्क अपने आप उस पर्टिकुलर शॉर्टकट को क्लिक करने पे हो जाता है, तो इस टाइप की फाइल को मैक्रो एनेबल डॉक्यूमेंट कहते हैं। डॉक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन XML डॉक्यूमेंट। XML डॉक्यूमेंट जो होता है वो जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें कुछ एक लैंग्वेज है जो जिसको यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट को डायनेमिकली प्रेजेंट करते हैं, तो उस टाइप की फाइल को जब ज़रूरत होती है XML फाइल की तो डॉक एक्स हो जाता है। एक्स इज फॉर XML। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट टेम्पलेट फाइल। अब डॉट मीन्स क्या हो जाएगा, कभी कभी हम फाइल जब बनाते हैं तो वो डॉट फॉर्मेट में सेव होती है जब, तो वो टेम्पलेट फॉर्मेट होता है। और डॉट एम जब होगा तो फिर मैक्रो भी उसमें एनेबल हो जाएगा। डॉट एक्स मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन XML डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। अब इसमें डॉक्यूमेंट भी है और XML डॉक्यूमेंट भी है और टेम्पलेट भी है। ई पब ई बुक के लिए ये यूज होता है। फिर ODT ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो ओपन डॉक्यूमेंट होता है उसके लिए ये यूज होता है। OTT इज ओपन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। अब यहाँ पे OTT जो है वो ओपन डॉक्यूमेंट के टेम्पलेट के लिए यूज होता है। ODT जो होता है सिंपल ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है, और ये जो होता है वो डॉक्यूमेंट टेम्पलेट के लिए यूज होता है। जब टेक्स्ट होगा तो ODT होगा और जब टेम्पलेट होगा तो OTT होगा। और रिच टेक्स्ट फॉर्मेट तो जनरली लोग जानते ही हैं जो कि यूज होता है ज़्यादा अच्छे टेक्स्ट के परफॉर्मेंस के लिए। TXT जो है प्लेन टेक्स्ट के लिए यूज होता है, और वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट जो होता है वो WPS से डिनोट होता है। DIG इज फॉर डिस्क्रिप्शन इन जिप फाइल। जिप फाइल में जो डिस्क्रिप्शन देते हैं वो DIGZ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने सिर्फ DOC और ज़्यादा से ज़्यादा DOCX जानते होंगे या DOT जानते होंगे। इसके अलावा इतने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स में हैं जो वर्ड में जिसको आपको जानना चाहिए, जो
समय समय पे जनरेट हो जाता है और आपको पता नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेट है स्प्रेडशीट। जब आप किसी अकाउंट सेक्शन में काम करने जाते हैं तो आपको XML की जरूरत, स्प्रेडशीट की जरूरत होती है, जहाँ पे हम फाइल के डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट में सेव करते हैं। अब जैसे हम यूट्यूब के ही फॉर्मेट को .csv फॉर्मेट में TubeBuddy सेव करता है, या आप भी उसको कॉमन सेपरेटेड वैल्यू फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। टैब सेपरेटेड वैल्यू TSV है। अब टैब जब आप लेते हैं तो हर फील्ड को वो टैब से सेपरेट करता है, और कॉमन सेपरेटेड वैल्यू जो होता है वो सिंपल कॉमन जो फॉर्मेट होता है उसमें फील्ड को सेपरेट करता है। अब जैसे नाम है, एड्रेस है और डेट ऑफ बर्थ है, तो उसको आपको टैब से सेपरेट करेगा। XML स्प्रेडशीट जो होती है वो XML फॉर्मेट में आपका डेटा सेपरेट होकर XML में खुलेगा। अब जो आपने डेटा सेपरेट करके सेव किया वो स्प्रेडशीट में खुलेगा, एक्सेल में खुलेगा। अब एक्सेल ओपन XML मैक्रो एनेबल स्प्रेडशीट। अब अगर आपके डेटा में मैक्रो भी है तो उसको सेव करने के लिए XLSM यूज होगा, और अगर ओपन XML स्प्रेडशीट है तो XLSX से होगा। तो बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन अगर आप जानिएगा तो वो आपको समझ में आएगा कि कौन सा एक्सटेंशन किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो आपको अकाउंट में फाइल को एक्सेस करने में इजी हो जाएगा और आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाइएगा। XLT क्या है? एक्सेल स्प्रेडशीट टेम्पलेट फाइल है। अब टेम्पलेट क्या होता है? जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है उसको टेम्पलेट कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, जो पहले से बने पेज होते हैं उसको जब हम यूज़ करते हैं और इसमें जब फाइल को सेव करते हैं तो वो टेम्पलेट फॉर्मेट में सेव होता है। XLTM एक्सेल ओपन करने पे XML मैक्रो एनेबल स्प्रेडशीट टेम्पलेट ओपन होती है। तो आप शॉर्ट में समझ लीजिए, जब M है तो मैक्रो होगा, जब X है तो XML होगा, जब T है तो टेम्पलेट होगा, और जब मिक्स TM है तो टेम्पलेट और मैक्रो दोनों हैं, और T और X है तो XML और टेम्पलेट दोनों हैं। तो इस तरह से स्प्रेडशीट के डिफरेंट फॉर्मेट हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें जनरल आप XLS और XLSX यूज़ करते हैं, लेकिन आप इंटरव्यू देने जब जाएंगे तो वो आपसे मैक्रो भी पूछ सकता है, तो अगर और CSV और TSV भी पूछ सकता है, अगर आप जानते होंगे तो आप आंसर कर पाएंगे। अब आया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसमें हम ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन ODDP फॉर्मेट में सेव करते हैं। POT इसको पावर पॉइंट टेम्पलेट। अब टी हमने आपको बताया टेम्पलेट के ही यूज होता है, टेम्पलेट के साथ मैक्रो यूज होगा तो TM होगा, टेम्पलेट के साथ XML यूज होगा तो POTX होगा, और पावर पॉइंट स्लाइड शो होगा जब, तब स्लाइड शो मीन्स है कि एक के बाद एक स्लाइड्स आपके सामने आती जाएगी, और अगर आपने टाइम सेट किया तो पर्टिकुलर टाइम पे आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी, और उसमें टाइम भी सेट होगा और एनिमेशन भी सेट होगा। PPSX क्या होगा? XML स्लाइड शो होगा। PPT क्या होगा? टेम्पलेट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा। सिंपल पहले जो था वो PPT ही यूज होता था, अभी आप बहुत एडवांस वर्जन भी आ गया है जिसमें आपका XML और मैक्रो भी यूज होता है। तो PPTM इज फॉर मैक्रो एंड PPTX इज फॉर XML। अगर आप कुछ टर्म्स को याद कर लीजिएगा तो याद नहीं करना पड़ेगा आपको, सिंपली आप उसको आंसर कर पाएगा। T इज फॉर टेम्पलेट, M इज फॉर मैक्रो, X इज फॉर XML, S यहाँ पे शो है पावर पॉइंट शो हो गया, स्लाइड शो हो गया, और X इज फॉर XML। तो इस तरह से आप इसके एक्सटेंशन का मतलब जान पाइएगा। ODT इज फॉर ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो इस तरह से आप सिंपल कुछ चीज़ें जान करके आप एक्सटेंशन को डिफाइन कर पाइएगा, बिना याद किए बता पाइएगा। MPP क्या है? माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट फाइल। अब हम लोग प्रोजेक्ट जब यूज करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट फाइल के लिए MPP यूज होता है। MPT इज फॉर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट टेम्पलेट।
अब इसमें टेम्पलेट, टेम्पलेट हमने आपको पता है कि प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है। MPX इज फॉर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एक्सचेंज फाइल। अब यहाँ पे देखिए X का मतलब चेंज हो गया, एक्सचेंज फाइल हो गई, यहाँ पे XML नहीं है। अब ईमेल में आप जनरली, आपको पता ही नहीं होगा कि किस फॉर्मेट में फाइल सेव होती है, तो यहाँ पे देखिए डॉट डैट है, डैट इज फॉर डेटा, winmail डॉट डैट फाइल डॉट डैट फॉर्मेट, डैट इज फॉर डेटा। EML इज एप्पल मेल मैसेज फाइल होगी, EMLX मीन्स एप्पल मेल मैसेज एक्सटेंडेड हो जाएगी। आउटलुक में MSG फॉर्म में मेल सेव होती है और आउटलुक में OFT फॉर्मेट में फाइल, टेम्पलेट फाइल सेव होती है, आउटलुक ईमेल टेम्पलेट फाइल। तो ये सब चीजें अगर आपको पता है तो आप किसी इंटरव्यू में जाइएगा तो आप इजीली आंसर कर पाएगा। PDF फाइल सभी जाते हैं कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल होती है। PDF इज द पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल। हम PDF में इसलिए किसी भी डेटा को चेंज करते हैं जिससे कोई उसमें चेंज ना कर पाए, और वैसे तो लोग इसको वर्ड में कन्वर्ट करके फिर से PDF में कन्वर्ट कर देते हैं। अब तो इतनी फैसिलिटी आ गई है कि लोग PDF को भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन जनरली आपकी फॉर्मेटिंग डिस्टर्ब ना हो उसके लिए हम लोग PDF फाइल में और सेफ्टी पर्पज से भी PDF फाइल में डेटा को सेव करते हैं। आज हमने जनरल पर्पज एक्सटेंशन बताएं, कल YouTube से रिलेटेड ऑडियो वीडियो इमेज एक्सटेंशन बताएंगे। आज ही इसलिए नहीं बता रहे कि वो बहुत अधिक उसमें एक्सटेंशन होता है, अनलिमिटेड है, जिसको कि हम लोग को जानना चाहिए क्योंकि हम लोग के इसमें डिफरेंट टाइप के ऑडियो वीडियो और इमेज फाइल यूज होती है और किसका क्या यूज होता है हमें आना चाहिए। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT Informer, follow my all social media links, join my telegram channel TechRatan, all the links are given in the description, and please subscribe and like and comment and ask the question in the comment. Thank you.